एक बार पुनः आपका इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है ये हम आपको जरूर बताएंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है, इससे पहले कि हम दशमलव प्रसार सीखें वास्तविक संख्याओं का, एक बार पुनः हम आपको याद दिला दें, वास्तविक संख्याएं मैंने आपको बताया है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं का संग्रह कर लिया जाए तो उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होता है, इन दोनों बिंदुओं पर अलग अलग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब करेंगे तो हमें ध्यान रखना है परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार करते समय दो स्थितियां क्रिएट होंगी। दो स्थितियां यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो पहली स्थिति बनेगी जब शेषफल शून्य हो जाता है, जब शेषफल हमें शून्य प्राप्त होगा। दूसरी कंडीशन मिलेगी जब शेष पर कभी भी शून्य नहीं होगा। दोनों कंडीशंस पे आज हम बात करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 10/3, 1/7, 7/8 के दशमलव प्रसार याद कीजिए। तो यहां पर हम एक एक करके देखेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें शेषफल शून्य होता है, इसमें शेषफल शून्य नहीं होता है। दोनों स्थितियों को हम देखेंगे और देखते हैं। तो सबसे पहले 10/3 यानी कि 3 का 10वें भाग करेंगे, 10/3 का भाग करेंगे, 3 दिया 9, घटाएंगे तो 1 बचेगा, दशमलव लगाइए 0 बनाइए, 3 दिया 9, फिर घटाएंगे फिर 1 आएगा, दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, 3 दिया 9। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्रम से, अगर हम इसको कंटिन्यूसली लगातार इसी तरह से करते जाएं तो आप देखेंगे 3.333 .. ये मिलता चला जाएगा, यानी कि कभी भी शेषफल यहाँ पर 0 नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ लिखा है दूसरी कंडीशन, जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता, तो ऐसा ही एग्जाम्पल है, यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं है। 1/7 यानी कि 1/7 का भाग करेंगे, दशमलव लगाने से पहले 0 लगा लीजिए, दशमलव लगाया तो 1 0 बढ़ाइए, 7 × 7 घटाएंगे 3 बचेगा, दशमलव लगा चुके हैं 0 बढ़ा सकते हैं, 7 × 4 = 28 घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा लीजिए तो 7 × 2 = 14 घटाएंगे 6 आएगा 0 बढ़ाइए, 7 × 8 = 56 घटाइए 4 आएगा 0 लगा लीजिए, 7 × 35 फिर घटाइए 5 दशमलव 0 बढ़ाइए, 7 × 49 घटाएंगे तो 1 बजेगा, 1 बजेगा दशमलव लगा चुके हैं 0 बढ़ाइए तो फिर एक बार 7 × 7 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, 0 लगाएंगे 7 × 28 2 बजेगा। तो ये क्रम यहाँ पे रिपीट होने लगा, अर्थात ये ऐसे ही आता चला जाएगा, (1, 4, 2, 8, 5, 7) और यहाँ इसके बाद में क्रम रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि 1, 4 आया, इसके बाद 2 आएगा, 8, 5, 7 क्रम से आता चला जाएगा। तो यहाँ पर भी जब ये रिपीट होने लगा, अर्थात यहाँ पर भी शेषफल शून्य नहीं मिलेगा। ये दोनों एग्जाम्पल एक जैसे प्राप्त हुए हमें, दोनों में शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होगा। 7/8 को देखते हैं, अर्थात 8/7 का भाग करेंगे तो हम देखेंगे 7 एकम
सर। तो आठ में सात में आठ का भाग करेंगे हम, दशमलव लगा लीजिए तो आठ हटे चौसठ, घटाएंगे छः बचेगा, दशमलव लगा चुके हैं जीरो बढ़ा सकते हैं, आठ सत्ते छप्पन, घटाएंगे चार बचेगा, दशमलव लगा चुके हैं जीरो बढ़ा लीजिए तो आठ पन चालीस, और ये शेष बल आ गया यहाँ पर जीरो। तो ये दो कंडीशंस प्राप्त होंगी, हमने आप पहले ही बताया परिमेय संख्या का जब हम विस्तार करेंगे दशमलव के रूप में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब हमने दस बटे तीन किया तो हमें प्राप्त हुआ तीन दशमलव तीन 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 डॉट डॉट डॉट, जब हमने यहाँ पर एक बटे सात किया है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बटे सात, तो हमें प्राप्त हुआ जीरो दशमलव एक चार दो आठ पाँच सात, फिर मिल गया एक चार दो आठ पाँच सात डॉट डॉट, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर जब हमने सात बटे आठ को ओपन किया दशमलव को सात में चेंज किया तो जीरो दशमलव आठ सात पाँच मिला और शेषफल जीरो मिल गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जब शेषफल शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, ऐसी स्थिति में जब संख्या रिपीट हो रही है तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, तीन दशमलव तीन तीन बार बार आ रहा तो तीन के ऊपर बार का निशान लगाएंगे, इसको शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख लीजिए जीरो दशमलव एक चार दो आठ पाँच सात और इसके बाद संख्या रिपीट होने लगी तो इसके ऊपर बार का निशान लगा दीजिए। तो इस तरह से ये जो दो संख्याएं हैं इनको जो नाम हम तो देंगे वो कहेंगे अनवसानी आवर्ती, क्योंकि यहां रिपीट हो रही संख्या इसलिए आवर्ती, अनवसानी आवर्ती, इस तरीके दशमलव के साथ को अनवसानी आवर्ती कहेंगे, जबकि जब शेष पर शून्य प्राप्त हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव। तो ये आज हम लोगों ने सीखा जब शेष पर शून्य मिल जाता है तो उसको शांत दशमलव कहते हैं, और जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं अनवसानी आवर्ती। तो आज हम लोगों ने बात की वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसाद, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद कैसे करते हैं इस पर बात की, और साथ ही साथ एग्जाम्पल लेकर हम लोगों ने ये देखा कि जब शेषफल शून्य नहीं होता है तो उसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं, जब शेषफल शून्य मिल जाता है तो उसको शांत दशमलव कहते हैं। अगले क्रम पे हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं का प्रसार कैसे करें, और साथ ही साथ उसमें देखेंगे कि उनका जब प्रसार करेंगे तो किस तरह के दशमलव संख्याएं मिलेगी, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज बस यहीं तक, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप स्वयं लेकर देखिए, परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल स्वयं से लेकर देखिए और दशमलव प्रसार कीजिए और उसमें ये भी देखिए कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अनवसानी आवर्ती दशमलव प्राप्त होता है। तो ये स्वयं से एग्जाम्पल लेकर आप होमवर्क करें, इसी उम्मीद के साथ आज मैं सही तक बहुत धन्यवाद।